जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आकाश मौर्य और आप सभी लोग का आपके अपने चैनल आल क्यूब स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, टीए आर्मी की न्यू रिक्रूटमेंट आ चुकी है, ऐसा आप लोग यूट्यूब पर देखते होंगे, बहुत जगह देखते होंगे। तो हमारे पास भी जो है एक स्टूडेंट ने कमेंट करके बताया कि सर, टीए आर्मी की भर्ती आ चुकी है, क्या मैं उसमें अप्लाई कर सकता हूँ या फिर नहीं अप्लाई कर सकता हूँ, वहाँ पर क्या एज लिमिट होती है उसके बारे में बता दीजिए। साथ साथ जो है यह जोन टू की भर्ती आई हुई है, तो जोन टू में जो है कौन कौन से राज्य के स्टूडेंट भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 25 अक्टूबर से रैली स्टार्ट हो रही है, तो इसमें क्या हाइट मांगी जाती है, एज क्या रहती है, सारी जानकारी इसके बारे में हमको बता दीजिए। तो आज की वीडियो में आप लोगों के लिए इसी टॉपिक पर लेकर आया हूँ, टीए आर्मी की भर्ती जो है कब से स्टार्ट हो रही है, क्या एज लिमिट है जोन टू में, कौन कौन से स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं, हाइट क्या है, वेट क्या है, चेस्ट क्या है, सारी जानकारी आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखते रहना, और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोगों ने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर देना। चैनल नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं आप लोगों को जो है, मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखूंगा, ये भर्ती जो आप लोगों को बताई जा रही है, ठीक है, 25 अक्टूबर की जो रैली स्टार्ट होने वाली है, बिल्कुल फेक भर्ती है। जब उस स्टूडेंट ने हमारे पास यह नोटिस भेजा तो मैंने उस नोटिस के देखा हुआ है, और साथ साथ मैंने वेबसाइट पर जाकर चेक किया और पता किया जो है और भी जगह से है, तो कहीं से भी यह इन्फॉर्मेशन नहीं आ रहा है कि आप लोगों की भर्ती आई हुई है या भर्ती नहीं आई हुई है। यह 2019 की भर्ती है जिसको जो है एडिट करके बताया जा रहा है। मैं आप लोगों को आगे चलकर नोटिस भी दिखाऊंगा कि आप लोगों की ये भर्ती जो है बिल्कुल फेक है, यह 2019 की भर्ती है, उसको एडिट करके आप लोगों को 2021 बताया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। अब बात करते हैं आप लोगों की इसमें जो है जोन टू के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं। तो जोन टू के अंतर्गत आप लोगों को जो है वो आप लोगों को यूपी आता है, यानी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा, ठीक है, यही राज्य आते हैं आप लोगों के जो है, ये टोटल 7 राज्य हैं जो कि आप लोगों के जोन टू के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। जिन लोगों को नाम नहीं मालूम है एक बार फिर से नोट कर लीजिए, आप लोग कॉपी पेन में हैं, यूपी, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये 7 राज्य आप लोगों के जो है जोन टू के अंतर्गत आते हैं। और आप लोगों को जानकारी हेतु बता दूं, 25 अक्टूबर को कोई रैली नहीं होती है, ठीक है। इसमें एज जो मांगी जाती है वो आप लोगों को 18 से लेकर 42 वर्ष तक मांगी जाती है, साथ साथ हाइट 170 सेंटीमीटर आप लोगों को मांगा जाता है, और भी आप लोगों को यहाँ पर छूट देखने को मिल जाएंगे हैं, जो कि भर्ती आने के बाद नोटिफिकेशन में ही आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चेस्ट की अगर बात करें तो चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए, प्लस 5 सेंटीमीटर फुलाना पड़ेगा आप लोगों को, इसमें भी आप लोगों को छूट देखने को मिलेगा, जो कि आप लोगों को नोटिफिकेशन में ही सारी जानकारी मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ, कौन सी भर्ती आई हुई है, कब रैली होने वाली है, कहाँ पर रैली होने वाली है, यह उसको भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स, यही वो नोटिफिकेशन है जिसको स्टूडेंट हमारे पास सेंड किया हुआ, टेरिटोरियल आर्मी यूनिट फॉर द ईयर्स 2021-22 लिखा हुआ है, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं जोन टू भी लिखा हुआ है, जोन टू के लिए भर्ती अनाउंस किया गया है। काफ़ी अच्छे अच्छे पोस्ट हैं, जैसे कि देख सकते हैं सोल्जर, जीडी क्लर्क, चीफ मिनिस्ट्रियल, से यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो बहुत अच्छे अच्छे पोस्ट पर यहाँ पर वैकेंसी निकाली गई, और आप लोग देख सकते हैं डेट भी यहाँ पर दिया गया है 22 से लेकर 25 अक्टूबर, जो कि आप लोगों का रैली कहाँ पर होने वाली लोकेशन भी दिया गया है, आप लोगों को देख सकते हैं फैजाबाद दिया गया है, और यहाँ पर जो है आप लोगों का जो है भुवनेश्वर दिया गया है, तो ये दो जगह पर आप लोगों का रैली का लोकेशन दिया गया है। तो मैं नहीं चाहता कि आप लोग जो है इस जगह पर जाएं और आप लोगों को पता चले कि ऐसा कोई भर्ती नहीं होने वाला आई है, तो आप लोगों को जहां से गलत इन्फॉर्मेशन मिल रही है आप लोग प्लीज़ वहां से दूर हो जाइए, है मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा। मेरा काम केवल यही है कि आप लोगों को नई नई भर्तियों के बारे में बताना, न कि फर्जी भर्तियों के बारे में, ठीक है। और साथ साथ आप लोगों को जो है उन सभी चीज़ों से सचेत करना जहाँ से आप लोगों का नुकसान हो सकता है, ठीक है। तो ये भर्ती बिल्कुल फेक है, आप लोग इस भर्ती पर विश्वास बिल्कुल भी ना करें, जहाँ कहीं भी आप लोगों को यह भर्ती देखने को मिले तुरंत आप लोग वहाँ से दूर हट जाइए, ठीक है। जैसे ही आप लोगों की नई भर्ती आती है तुरंत आप लोगों को हमारे चैनल पर बिल्कुल रियल इन्फॉर्मेशन दी जाएगी, न कि अदर यूट्यूब की तरह जो है आप लोगों को गलत इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिलती है, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने का बस केवल एक ही मकसद था कि आप लोगों को जोन टू के अंतर्गत कौन कौन से राज्य आते हैं, साथ साथ हाइट क्या मांगा जाता है, चेस्ट क्या मांगा जाता है, साथ साथ आप लोगों को इस भर्ती के बारे में बताना कि यह भर्ती बिल्कुल फेक है और कब तक आने वाली है इसके बारे में मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। यह भर्ती आप लोगों को जो है नवंबर लास्ट तक देखने को मिलेगी है, लेकिन जब तक ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं आ जाता ऐसा मैं कुछ भी नहीं कहूँगा कि इस दिन आएगा उस दिन आएगा, ठीक है। लगभग मान के चलिए आप लोगों का नवंबर मंथ में आप लोगों का नोटिस जारी किया जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को
टेरिटोरियल आर्मी से संबंधित संपूर्ण इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। कुछ भी डाउट बनता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग ऐसे ही नई जानकारी के साथ नई वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।